हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अतुल्य आर्यस पर। और आज हम साइंस करने वाले हैं पटवारी की, और उसमें सबसे पहले शुरू कर रहे हैं जीव विज्ञान का पार्ट यानी कि बायोलॉजी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी है क्या? जीवन का अध्ययन बायोलॉजी कहलाता है। जीवन का अध्ययन क्या कहलाता है? बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या है? एक्चुअली दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो और लोगोज। तो बायो का अर्थ होता है जीवन और लोगोज का अर्थ होता है अध्ययन। तो ये होता है जीवन का अध्ययन बायोलॉजी। तो जीवन के अध्ययन को बायोलॉजी कहते हैं, और इसी के साथ जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी की कुछ शाखाएं हैं, और वो जो शाखाएं हैं उनका अध्ययन इसके अंतर्गत करेंगे। इससे पहले बात कर लेते हैं कि इसको किसने, जीव विज्ञान का जो आविष्कार है इसको सबसे पहले किसने दिया? तो जीव विज्ञान का एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास किसने किया? प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने किया। किसने किया? अरस्तु ने किया। तो अगर क्वेश्चन आता है कि जीव विज्ञान का विकास किसने किया, तो वो किया था प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु ने। तो अरस्तु को वैसे सब जानते हैं, फिर भी ये कॉमन चीज़ें हैं, तो स्टार्ट करने से पहले अपन कर लेते हैं। तो चलिए ठीक है। तो इसके लिए, क्योंकि इन्होंने इसका जो है विकास किया था, इसलिए जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहते हैं, यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं दोस्तों। तो हम ये देख रहे हैं कि जीव विज्ञान के जनक किसको कहते हैं? अरस्तु को। इसी के साथ साथ जंतु विज्ञान के जनक, जंतु विज्ञान के जनक भी अरस्तु को ही कहते हैं। तो आपको ये दोनों क्वेश्चन याद रखने, और बहुत बार आ जाता है, अगर बिल्कुल लेवल का क्वेश्चन पेपर आता है तो उसमें आपको ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बायोलॉजी का विकास किसने किया, और इसी के साथ अगर पूछें जी, या ये भी पूछ सकते हैं कि जंतु विज्ञान का विकास यानी कि जूलॉजी का विकास किसने किया, तो वो भी अरस्तु नहीं आएगा। तो अब हमने देख लिया कि जीव विज्ञान है क्या, बायोलॉजी है क्या। तो बायोलॉजी क्या है? दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो, बायो प्लस लोगोज। ये दो ग्रीक शब्द हैं, और बायो का मतलब होता है जीवन और लोगोज का मतलब होता है अध्ययन। तो ये बायोलॉजी बन गया। और बायोलॉजी का जो विकास किसने किया? अरस्तु ने किया। जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान, जूलॉजी का भी जो विकास है उन्होंने किया था, इसलिए जीव विज्ञान, बायोलॉजी और जूलॉजी दोनों के फादर किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। तो आज अपने इसके अंदर थोड़ा सा अध्ययन करेंगे जीव विज्ञान की शाखाओं का। इनकी बहुत सी शाखाएं हैं, लेकिन मुख्यतः जो शाखाएं हैं क्वेश्चन पेपर में पूछी जाती हैं उसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, और सबसे पहले आपको इसको पढ़ना है। दो या तीन बार हम यहाँ पढ़ेंगे, और इसी के साथ आपको इसकी मैं पीडीएफ फाइल वीडियो के नीचे लिंक में दे दूंगा, वहाँ से पीडीएफ फाइल डाउनलोड करें और इसको याद कर लें। एक या दो क्वेश्चन आपको डायरेक्ट इसमें देखने को मिल जाते हैं, इसलिए सबसे पहले आपको एक बार पढ़वा रहा हूँ, उसके बाद अगर इसके साथ में कोई टर्म कनेक्ट होती है तो उसको भी बता दूंगा, और उससे आपको याद कर लेना है। इसके बाद आपको एक दो बार इसको और पढ़ना है, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा, और एक क्वेश्चन पक्का इसमें से पेपर में आता है। हम पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन और भी एग्जाम्स में इनसे संबंधित जहां भी साइंस आती है, तो साइंस की ये शाखाएं हैं जिसके इनके बारे में पूछ लिया जाता है। तो ये जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं। तो सबसे पहले बात करते हैं एपिकल्चर। एपिकल्चर क्या है? एपिकल्चर होता है मधुमक्खी पालन का अध्ययन, यानी कि कल्चर, जहां आपको ये वर्ड मिल रहा है, ये आपको इसमें कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा कि जहां कल्चर मिल रहा है वो पालने की बात आ रही है। तो एपिकल्चर यानी कि मधुमक्खी पालन, ठीक है। सेरिकल्चर, सेरिकल्चर में आपको रेशम कीट के पालन के बारे में बताया जाता है, तो सेरिकल्चर जो है वो रेशम कीट के पालन का अध्ययन है, ठीक है। इसी के साथ चलते आगे, पीसी कल्चर, पीसी यानी कि ये मछली से जुड़ जाता है, तो पीसी कल्चर जो है वो मत्स्य पालन का अध्ययन है। आपको मछलियों का अध्ययन अलग से मिलेगा, इसलिए आपको याद रखना है जो कल्चर है ये पालने का अध्ययन होता है। तो एपिकल्चर मधुमक्खी पालने का अध्ययन, सेरिकल्चर कीट पालने का अध्ययन, रेशम का जो कीट है वो पालने का अध्ययन सेरिकल्चर कहलाता है। इसके बाद आ जाता है पीसी कल्चर। पीसी कल्चर क्या है? मत्स्य पालन यानी कि मछलियों के पालने का जो अध्ययन है वो पीसी कल्चर में हम करते हैं। इसी के साथ आगे चलते हैं दोस्तों, आगे हमारे पास है माइकोलॉजी। तो माइकोलॉजी क्या है? माइकोलॉजी के अंदर हमें कवकों का अध्ययन करते हैं, हम कवकों का, ठीक है। तो माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन करते हैं। इसी के साथ फाइकोलॉजी, देखो कवक और शैवाल ये दोनों आपको मैं कोशिका के अंदर पढ़ाऊंगा, ये दोनों आपस में कनेक्ट रहते हैं, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। माइकोलॉजी और फाइकोलॉजी इन दोनों को आपको कनेक्ट कर देना है। माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन और फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो माइकोलॉजी और फाइकोलॉजी यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आता है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी बहुत ईजी है, आपको डायरेक्ट याद रखना है एंथो और पोमो, इन दोनों को कनेक्ट कर देना। एंथोलॉजी हो जाएगा
पुष्पों का अध्ययन, तो एंथोलॉजी हो जाएगा पुष्पों का अध्ययन। इसके साथ जो पोमोलॉजी है वो हो जाएगा फ्रूट्स का, यानी कि फलों का अध्ययन जो है वो पोमोलॉजी में आ जाता है। तो इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया, इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया, कैसे भी करो आपको याद तो ये करना ही पड़ेगा दोस्तों। इसकी कोई बहुत ज़्यादा छोटी ट्रिक भी नहीं बनती है साइंस में, और फिर भी आपको कनेक्ट करके ही याद रखना पड़ेगा। ये याद करने की मेमोरी की एक थ्योरी है कि आप चीज़ों को कनेक्ट करते हैं तो बहुत जल्दी से आप उसको याद भी कर सकते हैं। तो इसलिए अब बात कर लेते हैं ऑर्निथोलॉजी का। ऑर्निथोलॉजी क्या होता है? पक्षियों का अध्ययन होता है। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन होता है। इसके बाद आ जाता है इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी क्या है? मछलियों का अध्ययन। इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन करते हैं। तो इक्थियोलॉजी और पीसी कल्चर को आपको जोड़ना पड़ेगा दोस्तों। देखिए, पीसी कल्चर में क्या था? मत्स्य पालन का अध्ययन, और इक्थियोलॉजी में क्या था? मछलियों का अध्ययन। तो ये दोनों आपको जोड़ना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, ना तो आपको कंफ्यूजन होगी और दोनों आपको क्लियर भी हो जाएगा। पीसी कल्चर मत्स्य पालन का अध्ययन और इक्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन, ये दोनों आ जाते हैं। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, एंटोमोलॉजी लॉजी आएगा। एंटोमोलॉजी जो है वो है कीटों का अध्ययन। एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन करते हैं, और आपको देखा था आपने सेरिकल्चर में क्या करते हैं, रेशम कीट का पालन करते हैं। तो ये सेरिकल्चर है और ये एंटोमोलॉजी है, तो एंटोमोलॉजी में आ जाएगा कीटों का अध्ययन। तो दोस्तों इसको जोड़कर ही पढ़ना पड़ेगा। डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोलॉजी आपको डायरेक्ट याद रखना है। डेंड्रोलॉजी में क्या आ जाता है कि डेंड्रो, आपने सुना डेंड्रफ क्या होता है, जो हमारे काम की चीजें नहीं होती है हमारे सिर में से, तो डेंड्रफ होता है। तो वो क्या होता है? डेंड्रफ होता है। तो डेंड्रोलॉजी में ऐसी हमारे पास आ जाएगी झाड़ियां, जो काम की नहीं होती है, झाड़ियां और वृक्ष। तो ये दोनों डेंड्रोलॉजी में आ जाएगा। डेंड्रोलॉजी में आ जाएगा वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा ओफियोलॉजी। ओफियोलॉजी में सांपों का अध्ययन किया जाता है। ओफियोलॉजी अगर आप देखते रहते हैं, जो चैनल्स आते हैं जिसमें जानवरों जीव जंतुओं के बारे में बताते हैं, तो उसमें ओफियोलॉजी के जो अध्ययन करते हैं वो अपने कार्यक्रम लेकर आते रहते हैं। तो ओफियोलॉजी जो है वो सांपों का अध्ययन इसमें किया जाता है, ओफियोलॉजी में सांपों का अध्ययन। उसके बाद सोरोलॉजी आ जाता है। सोरोलॉजी में क्या है? छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। सोरोलॉजी के अंदर आपको छिपकलियों का अध्ययन करना है। इसके बाद आ जाता है सोल्वी कल्चर। तो फिर से आपको देखिए आ रहा है सोल्वी कल्चर, तो इसमें पालना या फिर कोई खेती के बारे में आएगा। तो ये देखो, ये आ गया कास्ट पेड़ों का संवर्धन। इसी के बाद हॉर्टिकल्चर आता है। हॉर्टिकल्चर में क्या है? हॉर्टिकल्चर के अंदर उद्यान विज्ञान है। हॉर्टिकल्चर आप देखते हैं किसी पार्क में जाते हैं, या फिर कई बार जाते हैं हम किसी नर्सरी में, तो वहाँ पे हॉर्टिकल्चर आपको देखने को वर्ड मिलता है। तो हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है उद्यान विज्ञान। इसके बाद फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर में आ जाता है फूलों की खेती के बारे में। फ्लोरिकल्चर में फूलों की खेती आ जाती है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों एक बार हम पढ़ चुके हैं, और इसके बाद पढ़ लेते हैं फिर से और आपको याद हो जाएगा। इसको याद करना पड़ेगा, इसकी और कोई ट्रिक नहीं है। याद करने के बाद आपको जब क्वेश्चन मिलते हैं तो कई चीज़ें ऐसी हो जाती है कि दो तीन बार पढ़ने से हमें उसको अच्छे से याद हो जाती है। चलिए दोस्तों हम चलते हैं एपिकल्चर पर। एपिकल्चर क्या है? मधुमक्खी पालन का अध्ययन एपिकल्चर में किया जाता है। सेरिकल्चर में क्या किया जाता है? रेशम कीट के पालन का अध्ययन किया जाता है। पीसीकल्चर में क्या किया जाता है? मछली पालन का, मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद माइकोलॉजी आ जाता है। आपको बताया था मैंने, माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है। तो ये रहा कवकों का अध्ययन कर रहे हैं। उसके बाद फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन करेंगे। इसके बाद पोमोलॉजी और एंथोलॉजी। तो एंथोलॉजी में फूलों का और पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन करेंगे। और ऑर्निथोलॉजी आपको पता है पक्षियों का अध्ययन, मैंने आपको बताया था ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन हम करते हैं दोस्तों। इसके बाद चलते हैं इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी और मैंने आपको इसमें जोड़ा था पिसीकल्चर से। तो ये क्या है? इक्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन इसमें किया जाता है, इसलिए इसको अपनों ने पिसीकल्चर से जोड़ दिया था दोस्तों। इसके बाद आ जाता है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी में क्या है? कीटों का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद चलते हैं डेंड्रोलॉजी। मैंने आपको बताया था डेंड्रोलॉजी आपको झाड़ियों को याद करना है, तो झाड़ियों और वृक्षों का जो अध्ययन है वो डेंड्रोलॉजी में किया जाता है। इसी के बाद ओफियोलॉजी आ जाता है, जिसमें सांपों का अध्ययन किया जाता है। मैंने आपको बताया था कि जैसे डिस्कवरी वगैरह चैनल देखते हैं आप, तो उसमें ओफियोलॉजी के बारे में बताते हैं। इसके बाद आ जाता है सोरोलॉजी। सोरोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। सोरोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर में कास्ट पेड़ों का अध्ययन किया जाता है, कास्ट और पेड़ों का अध्ययन। हॉर्टिकल्चर मैंने आपको बताया था, जो उद्यान विज्ञान है वो हॉर्टिकल्चर कहलाती है। और ऐसे ही फ्लोरिकल्चर, फूलों की खेती। वैसे तो दोस्तों साइंस की बहुत सारी और भी स्ट्रीम्स है, बहुत सारी और भी उसकी शाखाएँ हैं, लेकिन अपने इन मुख्य शाखाओं के बारे में बात करते हैं। इनके बारे में हमने पढ़ लिया, और ये आपको मैंने जो है पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दी है। लिंक में जाके आप पीडीएफ देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। कोई भी अगर
इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको रिप्लाई में मैं इसका सॉल्यूशन और इसकी जो डिस्क्रिप्शन अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं बता दूंगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिएगा, और आपको अगर याद करने के लिए और मैटर चाहिए तो जो भी आज अपने आज की वीडियो में किया है वो आपको लिंक के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ।